दिल्ली में हुई बीजेपी की बड़ी बैठक, करीब 3 घंटे हुई प्रहलाद जोशी से मुलाकात। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल निकले आवास से। मेघवाल के निकलते ही वसुंधरा राजे पहुंची प्रहलाद जोशी के आवास पर। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, लगातार बीजेपी की बैठकें हो रही है। आज दिल्ली में बैठक हुई जिसके अंदर प्रहलाद जोशी से अर्जुन राम मेघवाल मिले, उसके बाद वो आवास से निकले और अब पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे प्रहलाद जोशी के आवास पर मौजूद हैं, उनसे मुलाकात हो रही है। तो करीब 3 घंटे प्रहलाद जोशी से मुलाकात हुई अर्जुन राम मेघवाल की और अब आवास से निकल चुके हैं। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त। तो मेघवाल के निकलते ही वसुंधरा राजे प्रहलाद जोशी से मुलाकात करने पहुंची उनके आवास पर। तो आपको बता दें कि सरगर्मियां तेज है सियासत को लेकर, अब चुनाव नजदीक हैं और लगातार चाहे वो बीजेपी पार्टी हो या फिर वो कांग्रेस, राजस्थान उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और उसी को लेकर देखिए, चाहे हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करें, गृह मंत्री अमित शाह की बात करें, लगातार उनके दौरे भी राजस्थान हो रहे हैं और आने वाले टाइम में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे राजस्थान के हैं। तो करीब 3 घंटे प्रहलाद जोशी से मुलाकात हुई केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल की। हालांकि ये मुलाकात चुनावों को लेकर हुई, क्या कुछ चर्चा हुई ये राजीव जुड़ चुके हैं ब्यूरो चीफ दिल्ली से लाइव। राजीव, क्या कुछ जानकारी मुलाकात को लेकर? देखिए, अर्जुन राम मेघवाल का निकलना आवास से और अब पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का जाना अंदर प्रहलाद जोशी के आवास पर और मुलाकात ही है। बिल्कुल, बड़ा सवाल यही है। देखिए, प्रहलाद जोशी के घर पे सुबह से बैठक हो रही है। सबसे पहले बाबा बालकनाथ जो अलवर से सांसद हैं वह पहुंचे हैं, काफ़ी देर तक बैठक हुई है, बैठक के बाद वो चले गए हैं। उसके बाद केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल पहुंचते हैं। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल 1 बजे यहाँ पे पहुंचते हैं और 4 बजे निकलते हैं। करीब 3 घंटे जो है इस आवास पर मौजूद रहते हैं। इस दौरान वह क्या महत्वपूर्ण बात है जिस पर चर्चा हुई है? अर्जुन राम मेघवाल के निकलने के महज 10 मिनट के बाद पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जो है प्रहलाद जोशी के घर पर पहुंची हुई है, बैठक चल रही है। इन बैठकों में क्या चल रहा है यह सोचना है या जानना है, क्योंकि देखिए सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या भारतीय जनता पार्टी में ऑल इज वेल है? क्योंकि आज भारतीय जनता पार्टी की राजस्थान की कोर कमेटी की बैठक होनी है। इस कोर कमेटी की बैठक में बताया जा रहा है कि उम्मीदवारों के नाम पर मंथन होगा, लेकिन इंटरनल जो चीजें सामने आ रही हैं तो इसको लेकर के तरह तरह की बातें भी सामने आ रही हैं। देखिए, देवी सिंह भाटी का जो वापसी हुआ है भारतीय जनता पार्टी में, बीकानेर से वो नेता है, पुराने नेता है भारतीय जनता पार्टी के, कभी भारतीय जनता पार्टी छोड़कर चले गए थे, अब जो उनकी वापसी हुई है तो क्या उससे केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल उस चीज को स्वीकार कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, यह बड़ा सवाल है। क्योंकि 3 घंटा रहने के बाद वसुंधरा राजे का एंट्र यहाँ पे होना और फिर बैठक होना, तमाम तरह के सवाल खड़े कर रहे हैं। आज देर शाम जो है राजस्थान बीजेपी को लेकर के एक महत्वपूर्ण बैठक होगी, कोर कमेटी की बैठक होगी। उस बैठक में तमाम उम्मीदवार, जिसे भारतीय जनता पार्टी चुनाव उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतारना चाहती है, जो जिताऊ उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी को लग रहे हैं, उनके नामों पर मंथन किया जाएगा। कई ऐसे सांसद हैं जिन्हें चुनाव में भेजा जाएगा। इसी क्रम में आज बाबा बालकनाथ का जो मुलाकात हुआ है, चाहे वो प्रभारी अरुण सिंह से जो मुलाकात हुई है उसकी बात की जाए या प्रभारी चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी से मुलाकात हुई है उसकी बात की जाए, उसी क्रम में देखा जा रहा है लगभग 1 दर्जन ऐसे सांसद हैं जिन्हें चुनावी मैदान में भेजा जाएगा। तो आज शाम जो बैठक होनी है वह महत्वपूर्ण बैठक होगी। फिलहाल जो बैठक चल रही है इस समय प्रहलाद जोशी के घर पे, इसे भी बहुत ही महत्वपूर्ण माना जा रहा है। और जो हालात देखने को मिल रहा है, कहा जा सकता है कि सब कुछ ठीक करने की एक कवायद भी चल रही है। जी राजीव, देखिए बिल्कुल, आपने पूर्व मंत्री देवी सिंह भाटी का यहाँ पर जिक्र किया, तो देवी सिंह भाटी को देखिए वसुंधरा राजे का समर्थक भी माना जाता है। अब उनकी वापसी आना क्या बीजेपी की कोई राजनीति या रणनीति है, ये भी सवाल या निशान कई लोगों के मन में है। देखिए बिल्कुल, अर्जुन राम मेघवाल चूंकि बीकानेर से आते हैं और देवी सिंह भाटी भी बीकानेर से आते हैं, इन दोनों लोगों की जो तलखी है किसी से छुपी नहीं है, जग जाहिर है। ऐसे में जब जयपुर में बैठक होती है, बैठक के बाद
देवी सिंह भाटी को भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कराया जाता है और ज्वाइन करने के बाद देवी सिंह भाटी का स्टेटमेंट आता है कि अगर वसुंधरा राजे को सीएम का चेहरा बनाया जाता तो बहुत अच्छा रहता। तो मतलब साफ है अभी से आते ही जो जिस तरह से वो लॉबिंग करना शुरू कर दिए हैं। इधर पार्टी के रणनीतिकार और केंद्रीय नेतृत्व यह कह रहा कि प्रधानमंत्री के चेहरे पर चुनाव लड़ा जाएगा, तो तरह तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। आखिर जो मुलाकातें हो रही हैं प्रहलाद जोशी के घर पर, यह मुलाकात एक साथ भी हो सकती थी, लेकिन क्या वजह रहा कि 3 घंटे मिलने के बाद जब अर्जुन राम मेघवाल यहाँ से निकल कर चले जाते हैं उसके बाद वसुंधरा राजे की यहाँ एंट्री होती है, तो ये जो सिचुएशन यहाँ का है एक बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है। राजीव, तो क्या इस सिचुएशन से, स्थिति से ये माना जाए कि बीजेपी में आने वाले टाइम में तनातनी देखी जा सकती है? इस सिचुएशन से क्या ये माना जाए राजीव कि तनातनी आने वाले टाइम में भाजपा में देखी जा सकती है सीएम फेस को लेकर? बिल्कुल इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता है, जो हालात बने हुए हैं सबका अपना अपना राजनीतिक वर्चस्व है और हर नेता अपने को बड़ा सिद्ध करने में लगा हुआ है। चुनाव अभी दूर है लेकिन भारतीय जनता पार्टी में इंटरनल जो चल रहा है कि हम बड़े नेता हैं तो हम बड़े नेता हैं, या और यही स्थिति। ठीक है राजीव, वापस आपके पास लौटूंगी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए।